हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। दोस्तों बहुत ज़्यादा दिन हो गया मुझे वीडियो बनाए हुए, तो मैं सोचा कि एक वीडियो बना लेते हैं, और आप लोग का रिक्वेस्ट भी था। ये जो वीडियो है, इस वीडियो में आप लोग को फ्लोटिंग सिखाऊंगा। फ्लोटिंग में मैं इसलिए सिखाना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को जैसे कि स्विमिंग करना चाहते हैं लेकिन उनसे स्विमिंग हो नहीं पाता है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा मैं आप लोग को, तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी मेरे चैनल पर आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों देख लीजिए आप लोग 73-74 हज़ार सब्सक्राइबर हो गए हैं। मेरा एक ड्रीम है 1 लाख, आप लोग कंप्लीट करा दीजिए। गाइस मैंने एक वीडियो देखा था यूट्यूब में ही, फॉरनर का था, उसमें 13 मिलियन व्यूज आ रखा है। कोई बात नहीं, शायद हमें लग रहा है कि उसका तरीका सही होगा। वही चीज़ मैं आप लोग को हिंदी में बता रहा हूँ, ठीक है? तो देखो कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट यही होता है कि जैसे कि हम एक लंबा सांस लेते हैं और अपने अंदर भरते हैं, और भरने के बाद से जब फ्लोट करते हैं ना, तो क्या करता है, बॉडी को धीरे धीरे ऊपर ला देता है। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, लॉन्ग ब्रीथ लेना है। लॉन्ग ब्रीथ लेके बॉडी को ढीला छोड़ के, ठीक है, पानी के ऊपर फ्लोट करना है। अगर आप एक अच्छी ब्रीद लेते हो और ब्रीद लेने के बाद से अगर फ्लोटिंग करने जाते हो, तो चाहे आप जैसे भी फ्लोटिंग करो, आपकी बॉडी पानी के ऊपर ऑटोमेटिक तैरना चालू कर देगा। जैसा कि आप लोग ये वीडियो में देख सकते हो कि हमारी बॉडी पानी के ऊपर कैसे फ्लोट कर रही है। यहाँ थोड़ा गंदा पानी है इसलिए नहीं दिख रहा होगा, आप लोग एडजस्ट करना, ठीक है? लेकिन बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही है। और नेक्स्ट उसने दिखाया था कि बॉडी को फ्लोट कैसे करना है, ठीक है? मैं भी आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है? लॉन्ग ब्रीथ एंड होल्ड एंड देन आफ्टर। अगर आप अपने बॉडी को पानी के ऊपर फ्लोट करना सीख जाते हो, तो मैक्सिमम लेवल में यही होता है कि आप जल्दी से जल्दी स्विमिंग सीख जाओगे। जब आपको बॉडी फ्लोटिंग आ जाएगी तो आपको स्विमिंग जल्दी से जल्दी ही आ जाएगी। और बॉडी फ्लोटिंग करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बाद से ही हमारा अगला स्टेप होता है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बस यही होता है ना कि थोड़ा सा स्टार्टिंग स्टेज होता है, थोड़ा सा टफ होता है, इसलिए थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बॉडी सीधी रखनी है, जितना ब्रीद आप लोग अंदर भर सकते हो भर लो, उसके बाद से ये करना है, बॉडी एकदम बिल्कुल फ्लोट, एकदम सीधा, ठीक है? लेग एरिया थोड़ा थोड़ा डाउन होता है, तो उसको क्या करना है, हल्का सा ऊपर करने की कोशिश करना है। एक बार और दिखा दे रहा हूँ आप लोग को। बॉडी फ्लोटिंग आपके बॉडी के डायरेक्शन लेवल को बताता है कि आपको पानी में अपने बॉडी का डायरेक्शन किस तरह से रखना है, जिससे कि आपकी बॉडी पानी के लेवल पर आ सके। इसमें कमर को कैसे रखना है, कमर जो है ना ऐसे नहीं होना चाहिए, ये जो है जैसे ये हमारा वेस्ट एरिया हुआ, ये ऐसे अप नहीं रहेगा, यानी कि ऐसे ये अप नहीं रहेगा, ये ऐसे ऐसे डाउन चला जाएगा। जब ये डाउन जाएगा तो ये बॉडी ये पोर्शन उड़ जाएगा, यानी कि ये चेस्ट लेवल एरिया, और ये जो है लेग अप हो जाएगा, तो क्या होगा, बॉडी फ्लोट करने लगेगी। अच्छा बॉडी फ्लोट करेगी तो उसके बाद से क्या करना है आपको, बस हाथ चलाना है। हाथ चलाने मतलब मैंने जो आपको यही सिखाया था, बहुत सारी वीडियो पड़ी हुई हैं चैनल में, आप लोग देखना चाहते हो देख सकते हो। इस बार एक और वीडियो बना दूंगा मैं जो स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक, क्योंकि बहुत लोगों का कमेंट्स आया था कि आपका जो फर्स्ट वाली जो वीडियो है उसमें आवाज़ सही से क्लियर नहीं आई है। वो मैंने पहला वीडियो बनाया था, वो उस वीडियो का रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा रहा है, तो आप लोग देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मैं, आप लोग जाके देख सकते हो, या आई बटन में भी मैं दे दूंगा लिंक, ठीक है? आप लोग वहाँ से जाना देख लेना, ठीक है? तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।